नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, अपनी नई सेवा शर्तों को लेकर पूरी दुनिया में किरकिरी होने के बाद WhatsApp ने यूजर्स के हित में बड़ा फैसला लिया है। WhatsApp ने अपनी नई सेवा शर्तों को स्वीकार करने की अवधि को अगले 3 महीने के लिए टाल दिया है। ऐसे में जिन लोगों ने WhatsApp की नई शर्तों को स्वीकार नहीं किया है, उनके अकाउंट 8 फरवरी को डिलीट नहीं होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो 8 फरवरी के बाद अगले 3 महीने तक आपका WhatsApp अकाउंट डिलीट नहीं होगा। WhatsApp ने अपने एक ब्लॉग में कहा है कि हमने यूजर से नई पॉलिसी के जरिए कहा था कि नई सेवा शर्त स्वीकार नहीं करने पर 8 फरवरी को अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा, लेकिन अब हम अपनी नई शर्तों को अगले 3 महीने के लिए टाल रहे हैं। ऐसे में किसी भी यूजर्स का अकाउंट डिलीट नहीं होगा। WhatsApp ने ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी है। WhatsApp ने कहा है कि हम चाहते हैं कि यूजर्स को नई शर्तों को पढ़ने और समझने का पूरा वक्त मिले। हम नई शर्तों को लेकर सभी तरह की दुविधाओं और अफवाहों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले अपने ब्लॉग में WhatsApp ने सफाई देते हुए कहा था कि हम यूजर्स के निजी चैट को नहीं पढ़ते हैं और ना ही कॉल को सुनते हैं। कंपनी ने सफाई में कहा कि वह Facebook या किसी अन्य कंपनी के साथ यूजर्स का डाटा शेयर नहीं करती है। यूजर्स के डाटा पूरी तरह से एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।